हम लोग रज्ञाता प्रसंग में प्रताप रुद्र जी के कृपा के ऊपर में कृपा महाप्रभु जी की भी वहां का प्रसंग हमने पाठ किया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे कल हीरा पंचमी के संबंध में बताया गया। लक्ष्मी जी खोज रही हैं कृष्ण को और वो खोजने में इनको ऐसा मान हुआ कि रथ को तोड़ दिया, सब लोगों को बांध दिया, इतना क्रोध ये क्यों हुआ और लक्ष्मी जी को साथ कृष्ण क्यों नहीं ले गए। तो इसका उत्तर दिया कि वृंदावन के लीला में, वृंदावन की लीला में लक्ष्मी जी का अधिकार नहीं, वो अधिकार न होने का कारण क्या है, वो अपने को ब्राह्मणी समझती, वैकुंठाधिपति नारायण की प्रिया समझती है और ऐश्वर्य उनमें भाव। जब तक कोई गोप गोपी नहीं होगा तब तक ब्रज लीला में किसी का अधिकार नहीं, चाहे पुरुष रूप में चाहे ब्रज का भाव होना चाहिए, गोप गोपियों का भाव। इसलिए अर्जुन कृष्ण के सखा थे किंतु उनको ब्रज का भाव नहीं, क्योंकि वो द्वारकाधीश से संबंधित और द्वारकाधीश के वो सखा उनमें ऐश्वर्य भाव प्रधान होता है, क्षत्रिय अभिमान उनमें है। तो ऐसे लक्ष्मी जी का ब्राह्मणी अभिमान, ब्रह्म इत्यादि की उपास्या है, सबको बर देती है किंतु ब्रज का भाव उनमें नहीं। मैं गोपी होकर के ब्रज में दूसरे गोपों के साथ मेरी शादी होगी और तब मैं कृष्ण की उपासना करूंगी, ये उनके लिए संभव बात नहीं, इसलिए उनको ब्रज लीला में अधिकार नहीं है, ये प्रधान बात। उसी तरह से कोई ब्रज में भी जन्म लेकर के द्वारका के प्रति, द्वारकाधीश के प्रति, रुक्मिणी सप्तभामा के सेवा के प्रति जिसको यदि कुछ थोड़ी सी भी आदर या उसके प्रति आकृष्टि है तो उनको ब्रज भाव की प्राप्ति। यहां तक कि राधा कृष्ण की सेवा करने पर भी उनको ब्रज की प्राप्ति नहीं, राधा कृष्ण की सेवा भी करते हैं किंतु द्वारकाधीश के प्रति, द्वारका के प्रति, सप्तभामा के प्रति आदर की यदि दृष्टि है, दोनों एक साथ में चीज नहीं, इसलिए उनके लिए क्या होगा, जो राधा कृष्ण का भजन करते हैं तो उनको क्या गति होगी। किंतु उधर भी कुछ रुचि है, यदि रुचि है तब तो द्वारका में उनका होगा, उनकी दासी बन करके या और जो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं किंतु वैधी मार्ग से करते हैं उनको क्या होगा, उसे द्वारका से भी नीचे गोलोक में स्वकीय भाव में उनकी सेवा। और जिनको राधा कृष्ण में प्रीति है, भजन करते हैं और ब्रज के भावों के अनुसार में उनके अधीन होकर के काम करते हैं, भजन करते हैं, तो उनको ब्रज भाव की प्राप्ति। सखाओं के अनुगत होने पर, सखाओं जैसा जो सोदानंद जी के अनुगत में भजन करने पर वात्सल्य भाव, और जो लोग इन सब को छोड़ करके गोपियों के शुद्ध अनुगत में भजन करते हैं, जिस गोपी के अधीन अनुगत होकर के भजन करेंगे ठीक वैसे ही उनकी उनकी। इसलिए श्रुतियों के लिए देखा जाता है, दंडकारण्य के महर्षियों के लिए देखा जाता है, और एक दो जन्म में ये सब सिद्धि नहीं होती,
कल्प लग गया उनके लिए, श्रुतियों के लिए और दंडकारण्य वासियों के लिए। तो हम लोगों की क्या दशा है और किस कब साधन होगा, कैसे साधन। यदि अंततः लोभ भी थोड़ा सा हो जाता है तो बीज हो गए। अब इस बीज को अंकुरित करने के लिए रूप और अवनाथ की तरह में साधन भजन करते 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 10-20 हो सकता है कि जन्म जाएंगे। और जब फिर धीरे 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 वैसे ही वैराग्य, वैसे ही त्याग और वैसे ही निष्ठा होगी, भजन में निष्ठा, फिर भजनीय में निष्ठा, फिर धीरे धीरे साधारण नहीं। रथ यात्रा का प्रसंग इसे ऐसे व्यक्तियों के लिए उपकार के लिए ही है। कृष्णदास गोस्वामी ने चैतन्य चैतन्य सभी ऋषि को अरंग भजन के उद्देश्य करके ये लिखा है। इसमें वैदिक भक्ति की बात नहीं है। प्रारंभ से जहां पर है रात प्रसारंभी वंशी भट तटस्थित कर्षण बेनु स्वनई गोपी गोपी नाथ, ये वैदिक भक्ति का है प्रसंग न क्या है। इसलिए प्रारंभ से हम चलते हैं उनका एक उद्देश्य, उद्देश्य दे दिया यही गोपी गोपीनाथ, और उसी को प्रसंग अनुसार में हम प्रारंभ से कैसे चल सकते हैं। धीरे 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 भक्तों का चरित्र दिया, तरह तरह के उपाख्यान दिए, भक्त स्वामी सिंधु का वो प्रसंग लाए, वैदिक भक्ति इत्यादि का। किंतु उद्देश्य सब समय उनका, किसी भी प्रसंग में देखो, राय रामानंद के प्रसंग में देखो, अंत में कहां लेकर के जाते हैं, आरंभ किया वर्णाश्रम धर्म से, वैदिक भक्ति से भी नीचे। वर्णाश्रम धर्म जो है ये वैदिक भक्ति के अंतर्गत नहीं, निम्न स्थिति। और यहां से उठा करके तब फिर ले गए इधर, इधर हमारी बात को सुनो और समझना, मन देकर के सुन और तुम सब पीछे में। रूप गोस्वामी का उपाख्यान लिया, कोटि कोटि जगत में जीव है, चार प्रकार के जीव है, उद्भिज और कौन कौन से भी बताया, जड़ है, जंगम है, थावर जंगम इत्यादि, और उसमें भी ये सब बताया। उसमें से श्रेष्ठ पशु, उनसे भी श्रेष्ठ धीरे धीरे मनुष्य हो गया है। मनुष्य जाति अत्यंत दुर्लभ है इस जगत में, बहुत कम है, कम कितना कितना और फर्क है एक ब्रह्मांड में, और लाखों ब्रह्मांड भरे पड़े। उसमें से भगवत भक्ति संपन्न जीव बहुत दुर्लभ, कम है, बहुत शुद्ध। उन लोगों में से नारायण प्राणायण बहुत, नारायण पारायण में से बहुत कम है जो कृष्ण पारायण, कृष्ण पारायण में भी एकांतिक कृष्ण पारायण बहुत दुर्लभ। उनमें से भी कृष्ण में साधारण रूप में ये तीनों को मिला करके, ब्रज द्वारका और मथुरा और वो लोग सब मिला करके, ऐसे भक्त लोग हैं वो भी बहुत। उनमें से शुद्ध ब्रज के भाव को ग्रहण करने वाले अत्यंत दुर्लभता है। उन लोगों में से दास्य का भाव रखने वाले और उन लोगों में से भी खूब कम है जो सत्य वाले, उनसे भी बहुत कम है बिरले वाले जो पहुंच गए एक पास। उन लोगों में से कोई एक बिरले हैं जो अंत में वो कैसे होगा, गोपी अनुगत बिना इसलिए इसको अंत में उठा ले। सनातन गोस्वामी का उपाख्यान ले एकदम प्रारंभ से आरंभ किया, जिवे स्वरूप यहाँ से आरंभ किया और अंत में कहा ले गए, पहले ले गए फिर संबंध क्या, कृष्ण का तत्व, जीव का तत्व, माया का तत्व, संसार का तत्व, ये सब मिला है पता है, फिर ऐश्वर्य माधुर्य ये सब कुछ ले आए। इसके बाद में ले आए ये संबंध ज्ञान, ये सब कृष्ण के संबंध में, नारायण के संबंध में, 24 प्रकार के
अवतार तो अवतार और काय व्यूह इत्यादि के संबंध में बतलाए और अंत में बताए इन सबसे कृष्ण का वैशिष्ट्य। कृष्ण है अंशी और ये है कृष्ण है अवतारी और बाकी सब हैं इसलिए कृष्ण ही और ज्ञान परतत्व इनसे बढ़कर के और कोई। अच्छा कृष्ण का भजन भी कैसे होता है कितने प्रकार के भक्त कैसे करते हैं बृहद भगवतामृत इत्यादि में दिखलाया इसमें भी दिखलाया और अंत में गोपियों के भाव को सर्वश्रेष्ठ वहां पर और उनका कैसे भजन होता है कैसे रागांग का भजन होता है वहां पर भी अंत में रथ यात्रा का प्रसंग आरंभ किया। रथ यात्रा में बड़ा कौतूहल है रथ जाएगा इतना बड़ा लंबा चौड़ा तीन रथ बने हैं और उसमें कैसे चढ़ा रहे हैं जगन्नाथ जी को ये सब देख लाना इनका प्रधान तत्व तो नहीं है गुप्ती सामर्थन से आरंभ किया और रथ यात्रा निकाल लाख लोग उसको रस्सी पकड़ करके खींच करके चल रहे हैं क्या क्या हो रहा है ये सब प्रसंग किंतु गूढ़ रहस्य उसमें क्या है गुरु रहस्य क्या है गोपियां कृष्ण को अपने हृदय रूपी रथ में रख करके ब्रज में लाए ये उसका बिना गोपियों के कृष्ण उस रथ में चढ़ करके ब्रज में आएंगे ये कोई भी सखा रथ को खींचने आया कि नहीं ये देखो कोई भी मैया वहां पर बात्सल्य वाले उस रथ को मैं हाथ में रस्सी पकड़ा कि नहीं पकड़ा कौन पकड़ महाप्रभु जी देख रहे हैं क्या बस गोपियां रथ को खींच रही हैं और कोई खींच ही नहीं रहा क्योंकि रथ भी गोपियों के हृदय का है इसको कौन पुरुष हो चाहे जैसे भी महाप्रभु जी देख रहे हैं महाप्रभु जी की भावना देखो जो इसमें क्या है इसलिए रथ यात्रा प्रसंग में भी भजी भक्ति का एक धरातल में बस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उसको दिया किंतु बिना इसके होता नहीं। माधुरी जी का मैंने में कहा है कि ब्रजी भक्ति का जाति और प्रमाण के भेद से भाव और रागानुगा भक्ति का जाति और प्रमाण के भेद से मैंने ब्रजी भक्ति रागानुगा में भी ब्रजी भक्ति है रहेगा किंतु भाव बिना ब्रजी भक्ति के रागानुगा होगा नहीं संभव नहीं किंतु उसका उद्देश्य होना चाहिए अच्छा आप हम लोग कुरुक्षेत्र के प्रसंग पर चल रहे मैंने जहां भी जो प्रसंग है केवल चैतन्य चरितामृत नहीं हमारे गोसाइयों का कोई भी ग्रंथ लो जी गोस्वामी का संदर्भ तत्व संदर्भ में उन्होंने क्या दिखलाया ये सब तत्वों का विश्लेषण करके फिर अंत में ले गए द्वितीय में परमात्मा भगवत संदर्भ में ब्रह्म जो ज्योति में जो लोग मिलते हैं ये क्या चीज है और जीव के साथ में उसका क्या संबंध है फिर परमात्मा के साथ में जीव का क्या संबंध है फिर कृष्ण के साथ में जीव का क्या संबंध है फिर भक्ति किसको कहते हैं और उसमें भी कृष्ण भक्ति किसको कहते हैं और उसमें भक्ति का प्रभाव पड़ता है फिर इसके बाद मिले आए तो संदर्भ में क्या दिया दास सख्य बात्सल्य का देते हुए अंत में कैसे होता गोपियों का भाव दिया बस खूब ध्यान से सुनो यदि आंख बंद कर देगा तो तुम्हारा हृदय बंद हो जाएगा तो एक अक्षर भी सुनाई नहीं पड़ेगा इधर तन करके बैठो सुनो अच्छी तरह से मन से तब तो होगा नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए अब रथ का प्रसंग कल तो खेचा रहा रस्सी टूट गई थी रस्सी टूट गई महाप्रभु जी ने कहा देखो भाई रस्सी पुरानी हो गई है बासु को गुणराज खान को कहा ऐसी मोटी रस्सी नहीं गया हर साल नहीं आई तो पुरानी टूटने से हजारों आदमियों के मरने की संभावना है हजारों आदमी पकड़ करके खींच रहे हैं और रस्सी जब टूट गई तो क्या हुआ इसलिए तो नई रस्सी प्रत्येक पास तो इतना भारी रस्सी कैसे लाएंगे गाड़ी से जाइए कैसे उस समय की व्यवस्था जो ले आए प्रति वर्ष लाते थे जब तक वो थे महाप्रभु थे तब तक वो आता था इस तरह से फिर
महाप्रभु जी रथ को खेच रहे हैं, खेचवा रहे हैं, लेकर के चल रहे हैं, करेंगे से महाप्रभु जी ये कर रहे हैं, उनकी भावना क्या है, तो वो उसको बतला रहे हैं। श्लोक तो पढ़ रहे हैं, जो कौमार है और कहते ये श्लोक हमने पहले व्याख्यान हुआ, हमने भी थोड़े से संक्षेप में इसका अर्थ बताया। पूर्वी जैसे कुरुक्षेत्र सब गोपीगण तो उधर ये गोपीगण रथ यात्रा प्रसंग में और कोई कोई भी रथ में जो खेच रहा है कोई भी पुरुष नहीं खेच रहा, सब गोपियां खेच रही। पूर्वी जैसे कुरुक्षेत्र सब गोपीगण कृष्ण दर्शन पाइया आनंदित मन, नंद बाबा का प्रसंग नहीं लाया, सखाओं का गए थे कि नहीं गए थे, सभी लोग गए हैं, बलदेव जी गए हैं, सुभद्रा और सब लोग गए हैं, ब्रज के सब लोग, किंतु कृष्ण दर्शन पाइया आनंदित मन कौन गोपियां, औरों को आनंद है किंतु विशेष किसको आनंद है, इन गोपियों को ही सबसे, जिसके हृदय में जितना ही अधिक प्रेम होगा उसी को ही आनंद, जिसके हृदय में जितनी अधिक श्रद्धा होगी ये उसको उतना ही अच्छा सुनने में लगेगा, श्रवण भी कीर्तन भी सभी, जिसके हृदय में प्रेम अथवा माने प्रारंभिक स्थिति में श्रद्धा नहीं है वो लोग प्रश्न करेंगे, भाई ये जो नगर संकीर्तन हम लोग कर रहे हैं इससे क्या लाभ, बेकार था, फालतू, इतना परिश्रम करने के लिए क्या जरूरत है, दस दस में डोलेंगे इधर उधर बैठ करके कीर्तन करेंगे खूब मन से, उधर तो डोलने की क्या जरूरत, न कोई सुनता है न कुछ, उसे क्या लाभ। तो ये महाप्रभु जी से पूछो, महाप्रभु जी से पूछो, भक्ति विनोद ठाकुर जी से पूछो, अपने गोसाई लोगों से पूछो, जब आज भाई आपने क्यों किया, यदि समझ में नहीं आता है तब प्रश्न मत करो, उन्होंने किया है इसलिए हम करें, पहली तो बात ये होना चाहिए ना, इसको कहते हैं आनंद, जो समझ में नहीं आती है तो महाजनों जैन गपन, और इसके करते करते ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ी देर के बाद में वो समझ में आ जाए, और पहले से ही भाई काट कर देंगे तो वो समझ में नहीं आए, महाप्रभु को क्या करनी पड़ी थी कि सात दलों में विभक्त करा करके अपने भक्तों के साथ में सारा दिन धूप में और वर्षा में खड़े होकर के सवेरे से शाम तक कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत, भक्ति विनोद ठाकुर को गांव गांव में स्थापित करके वो नाम हर, और ये सब क्या जरूरत, क्या जरूरत थी प्रभुपाद जी को, छोटे छोटे तुम लोगों से भी छोटे छोटे ब्रह्मचारी सबको पढ़े लिखे करके गुरु महाराज जी जैसे लोगों को, प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों बक्सा भिक्षा दे दिया, एक एक पैसा दो दो पैसा भिक्षा करने स्कूल भिक्षा की तरफ मत, क्यों किया, वो लोग भविष्य दृष्टा है और सर्वज्ञ है, जीव का कल्याण कैसे होगा, इस हरिदास ठाकुर महाप्रभु से पूछ रहे, प्रभु ये जो लोग हैं जिनको एकदम श्रद्धा ही नहीं, कुछ श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, भगवान भगवान कुछ नहीं मानते, उनका कैसे कल्याण, विशेष करके जो इसके घोर विरोधी हैं, ऐसे बहुत से धर्म वाले हैं जो इसके घोर विरोधी हैं, हम लोग मायापुर में जब जब जाते थे ना नगर संकीर्तन वो 16 कोस परिक्रमा, एक सेकंड के लिए बंद नहीं हुई, हमको तो याद है मैं 7 दिन की कितनी दिन परिक्रमा हुई, तो मैं 7 दिन प्रारंभ से लेकर के शाम तक मैं मूल गायक त्रिविक्रम महाराज जी और सब, आपका गला खराब नहीं होता है जैसे टूटा फूटा गला, किंतु उसी से दिन भर गला भी खराब नहीं, तो उसमें देखता था जहां जहां कोई मस्जिद है ना, मस्जिद जहां जहां है वहां पर सब बंद कर देते, क्यों आज के जैसे रास्ते में निकलने देते, अब तो अधिकम है, पहले बंगाल में प्रोसेशन लेकर के चलना बड़ा भारी,
जहां यदि हो जाएगा ना तो बस एकदम बंद कर, बंद करके बंद करो बंद करो, वही आवाज देने लगते नमाज हो रहा है नमाज हो रहा है, आगे बढ़ ही नहीं पाता, तब फिर बंद करके रुक सकता। अब तो बंद नहीं, अब तो खूब आंदा तो ऐसे लोग जो घोर विरोध करते हैं इसका नहीं करते हैं। यहां तक कि और तो बात क्या, गुरु जी के साथ में हम लोग मंदिरों में वृंदावन में हम लोग गए, तुम्हारा कौन मंदिर में हमको याद नहीं, बिहारी जी में, राधा बल्लभ जी में, और यहाँ के मदन मोहन जी मथुरा में जमुना के किनारे मदन मोहन का, उनमें खोल मृदंग बजाते हुए कीर्तन करते हुए घुसने नहीं दिया, तो गुरु जी ने कहा यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं, इसलिए बिहारी जी के मंदिर में फिर गुरु जी कभी नहीं गए। वो कीर्तन करते हैं कि इसमें चमड़ा है, मृदंग में चमड़ा है, तो गुरु जी ने कहा गया ये शंख बजाने वाला उसमें तो हार है, ये क्यों रखता है, ये क्यों बजाता है, जो लोग तो उन लोगों में चमड़ा है तो तुम रहता तुम में तो इस तरह से कह रहे हैं पशु पक्षी कीट पतंग हैं जो बोलते ना पा रहे, जो बोल नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं, सुन ले सुनाम तारा सब तो, इसलिए उच्च संकीर्तन लगाते कड़ी ला प्रचार स्थिर चौर जीवर खंडाई रस, चैतन्य महाप्रभु अवतारे बहे प्रेमा मित्र बन्य सब जीव प्रेम भाषे पृथ्वी है, इसीलिए जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, जो विरोध करते हैं, जिनको थोड़ी सी श्रद्धा है, जिसको विशेष श्रद्धा है, जिसको विशेष श्रद्धा होगी ना कीर्तन करने समय में आकर के प्रसन्न से प्रणाम करेंगे, चरण छुएंगे, वाह महात्मा लोग कीर्तन करते जा रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ में तुम्हारे साथ में स्वर मिलाएंगे, नाचने भी लगे, आकर करेंगे, दूध ग्लास में भर करके गरम गरम ले आएंगे आप लोग भी खूब आदर सम्मान, ऐसा भी। और कुछ लोग हैं इसका घोर विरोध भी करेंगे, किंतु सब प्राणियों के कल्याण के लिए महाप्रभु जी ने उच्च संकीर्तन ताते करीला ठीक और जीवेर, महाप्रभु जी ने इस रथ यात्रा में कीर्तन को ही प्रधान बनाया, कोई सुने न सुने कैसा भी है, श्रद्धालु है या श्रद्धालु है, कोई भी है, अंदर तक कीर्तन की ध्वनि जाएगी कि नहीं, इसलिए हमारे गोस्वामी ने जो पथ अनुसरण किया हम उसमें चलेंगे, समझने की चेष्टा भी कर। महाप्रभु जी की भावना की साधारण से साधारण व्यक्ति भी श्रद्धालु से लेकर और उन्नतम अधिकारी, जैसे कि ये बतला रहे हैं अभी, ये उन्नतम अधिकारी के लिए अभी तक जो संकीर्तन हुआ था वो किसके लिए, साधारण की एक बात है ना, साधारण लोगों संगे करे नाम संकीर्तन, बहिरंग संगे करे नाम संकीर्तन, हम तरंग लैया करे ठीक है, जहाँ ऐसे तो भक्त समय मैंने साधारण भक्त समय करे क्या बात है, अच्छा बात करना था इसको तो किस तरह से करें, न तो अधिकारियों के लिए वर्णन कर रहे हैं, जो पूर्व जैसे कुरुक्षेत्र सब गोपियां, जैसे गोपियां उसका दर्शन हमको मिला, उसमें हमने बतलाया श्रीमद भागवत कितने एकासी या तिरासी में तो उसमें की संबंध में बतलाया। अब महाप्रभु के अंदर में हृदय में ये क्या भावना, ये रथ यात्रा का प्रधान उद्देश्य ये वर्णन कर रहे हैं, जगन्नाथ देखी प्रभु से भाव उठिल से भाव अविष्ट धुआं गवाई, जगन्नाथ को देख करके प्रभु के हृदय में ये भावना उठी, वो ये हमारे प्रियतम श्याम सुंदर,
अपने तो हैं राधा और ये जगन्नाथ देव जी हैं, ये हैं श्यामचंद्रंदन श्याम, और हमारी ये जितनी भी हैं ये हमारी सब सहेलियां, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर इत्यादि जितने भी हैं उसमें कीर्तन करने वाले और गायन और वादक और सबको देख, जो रात को खेच करके जा रहे हैं उनको देखा गोपियों के रूप में, और से भाव आविष्ट हैं हुआ गवर हुआ माने से ही तो पराना पाई जहां लगी मदन दहन ये हुआ माने इसको कहते हैं ध्रुव, जैसे भजरे मन सिनंदनंदना अभर चरणारविंदरे मन सिनंदनंदना चरणारविंदरे, इसके बाद वाला दुर्लभ मानव जन्म सत्संग फिर अंतिम कड़ी श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन पूजा कर सकिया आत्मनिवेदन गोविंद दास लीला भजहुरे मन सिनंदन आभय माने उसी को बीच बीच में एक एक पद होता जाएगा फिर उसको दोहराया जाएगा, ऐसे ही सही तो पराना उसमें बड़े सूर ताल वैसे ये गा रहे हैं, हम लोग खोजते इसका सूर ताल लाए मान वो नहीं आता, लोग गाने की चेष्टा भी करते हैं इसको किंतु नहीं आता, जैसे राधे जय जय मां कितना सुंदर सुर से स्वरूप ये सब काम होगा इत्यादि संस्कृत के ये सब काम करते हैं हम लोग धारणा नहीं कर सकते, अभी भी कभी ध्रुव सुनता है ना, कभी वृंदावन में जाते हैं अच्छे अच्छे लोग गाए सब साज लेकर के बैठ जाते हैं ऐसा से मन को मुग्ध कर देते हैं, तो कृष्ण के समय में या महाप्रभु के जो सुंदर सुंदर गंधर्व जैसे भी ये लोग गायक हैं कैसा सुंदर गायन करते हैं, विशेष करके हम लोगों ने देखा है इसमें वो पुस्तक है ना कौन सी जिसमें नरोत्तम ठाकुर भक्ति रत्नाकर उसमें इतना सूर ताल लय मां मृदंग का अलग से वीणा का अलग से ये सब चीजों का ये सब किया है, इस तरह से भाव आविष्ट यहाँ कुआ गवाई जाओ गोविंद ये भी दिए हैं, ये सब लोग सब प्रकार से योग्य थे, क्या कीर्तन क्या संगीत क्या माने सब कोई भी शास्त्र बाकी नहीं था, जैसे कृष्ण थे ना 64 कला इनके भक्त लोग भी 64 कला पाए और रसोई बनाने में सिद्धार्थ हुआ गवाई अवश्य से राधा कृष्ण करे निवेदन अवश्य अंत में राधा जी कृष्ण के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, कृष्ण ने कहा कि हमको भूल गई, तुम लोग ये समझती हो कि मैं तुम्हें संपूर्ण रूप से भूल गया, क्योंकि इतने वर्षों तक मैंने कोई सुख दुख तुम्हारी नहीं ली, मेरा जैसा और कोई कृतज्ञ विश्व में नहीं है, ऐसा समझ रही मैं बहुत ही कृतज्ञ, तो फिर राधा निवेदन कैसे इनके बात करने का ढंग है इसमें देखिए, राधा जी कह रही है बोले आपने 16000 मुनियों का विवाह करके अब हमारे विरह को भी है ना, हमारे विरह को विस्मित होने के लिए आपने विवाह करके अब महाप्रेमी भव
अब आप महाप्रेमी बन गए, अरे आप हमें क्यों नहीं भूलेंगे, देश तक गोपियां बने। तो राधा जी कह रही है सेतु में उसी अर्थ पुष्टार्थ दे रहे साधारण कौमार सेतु में से यानी से नव संगम, मैं भी वही हूं और तुम भी वही, क्या है मैं भी वही राधा हूं आप भी वही वही कृष्ण है, ब्रजविलासी यहां पर नहीं आए, वही कृष्ण हो मैं भी वही राधा हूं। और जैसे ब्रज में हमारा नवीन प्रतिदिन नए नए संग होते थे, कभी भी राधा जी ने या कृष्ण ने या गोपियों ने नहीं ये समझा आज हम दूसरी बार मिल रहे हैं कि तीसरी बार मिल रहे हैं चौथी बार मिल रहे हैं, ये कभी नहीं सोचा, आज पहली बार ही हम उनका प्रतिदिन का है, आज पहली बार हम कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं, आज पहली बार हम उनसे मिल रहे हैं, गोपियां भी ऐसे सोच रही और कृष्ण भी ऐसे ही सोचते हैं, आज पहली बार पूछते हैं ये तुम कौन हो, प्रश्न करते हैं कृष्ण तुम कौन हो, तो ये गोपियां क्या कर रही, तुम इतना भी नहीं जानते जे तुम कौन हो, आप हमें नहीं जानते हैं, इस तरह से मालूम होता है जैसे वो कभी ये नहीं जानते कि पुरानी हमारी कोई मित्रता है सत्य भाव है एकदम नए मिलने में भी, हमारे गोस्वामी ने भी ऐसा ही प्रथम मिलन अभी तो भास 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 कर दिया, प्रथम मिलन अभी तो भास 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 पहले भी इसमें भी स्मरग्नम अभिसंत धाम में तो धाम गम पहला मिलन उनका सब जगह में भी यही दिख रहा है पहला मिलन उनका, श्रीमद् भागवत में भी गोपी गीत में हम देखते हैं पहला उनका मिलन पूर्वरा कृष्ण अभी मिले ही नहीं उनसे, मिलने की तो बात क्या मिली ही नहीं, यही प्रेम का है।